गर्भ धारण से लेकर बच्चे का 2 साल तक के हो जाने का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी समय को हम 1000 दिन कहते हैं। इन्हीं 1000 दिनों में बच्चे के शरीर और दिमाग का विकास होता है। दर्द का पता चलते ही अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण कराएं। पंजीकरण कराने से आप सरकार द्वारा दी गई अलग अलग सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र जाकर कम से कम 4 प्रसव पूर्व जांच या ANC जांच कराना चाहिए। इन जांचों के दौरान माँ और बच्चे के विकास पर ध्यान दिया जाता है। आंगनवाड़ी में माँ को पोषक आहार की भी जानकारी दी जाती है, जिससे बच्चे का अच्छे से विकास हो, क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे को माँ से ही आहार मिलता है। 4वें महीने से ही आयरन की गोली लेना शुरू करें और पूरे गर्भावस्था के दौरान आयरन की गोली खाते रहें। इससे बच्चे से खून का रिश्ता बनता है और आपका शरीर प्रसव के लिए तैयार रहता है। जब प्रसव का समय आए तो अपने बच्चे के जन्म के लिए घर नहीं, अस्पताल ही चुनिए। प्रसव के बाद माँ को बच्चे के 6 महीना पूरा होने तक केवल अपना ही दूध पिलाना चाहिए, पानी भी नहीं। बच्चे को क्या और कितनी मात्रा में आहार देना है, इसकी जानकारी आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र में ले सकते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां हैं जिनके लिए अस्पताल में टीका लगवाना जरूरी है।